सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाबी खबरां दे ताज़ा बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत करदे आं। पंजाब दीआं ताज़ा खबरां ते नज़र मारांगे, सो वीडियो दे विच अंत तक जरूर बने रहना। सब तो पहली खबर आ रही है सीएम भगवंत मान दा ऐलान, पंजाब च बनावांगे फिल्म सिटी, बॉलीवुड नाल करावांगे मिलाप। मुख्यमंत्री भगवंत मान मिशन इन्वेस्टमेंट दे चलदे दो दिना मुंबई दौरे ते हन। इस दौरान भगवंत मान ने पंजाब च फिल्म सिटी बनाउण दा ऐलान कीता। भगवंत मान ने कहा कि बॉलीवुड बहुत वड्डी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड दीआं कई फिल्मां दी शूटिंग पंजाब च हुंदी है ते पंजाब नाल संबंधित विषयां ते बॉलीवुड फिल्मां बणदियां हन। गायक परमेश वर्मा दे गन कल्चर ते तिखे बोल पंजाब सरकार नूं आख दित्ती इह गल। उन्हां कहा कि आउण वाले समें च बॉलीवुड ते बॉलीवुड दा मिलाप करवाउणगे तां जो सरकार नूं रेवन्यू आवे ते लोकल कलाकारां नूं वी कम्म मिल सके। इस तरह दा उन्हां दे वल्लों बयान सामने आया है। अगली खबर वाले वल वधांगे। पंजाब च हिंदू नेता अतवादियों के निशाने ते है, शिवसेना हिंद के कौमी प्रधान नूं जानों मारन की धमकी मिली है। पंजाब विच हिंदू नेता लगातार गैंगस्टरां अते अतवादियों के निशाने ते हन। पिछले साल नवंबर में अमृतसर में हिंदू आगू सुधीर सूरी के कतल तो बाद मोहाली के शिवसेना हिंद के कौमी प्रधान निशांत शर्मा इस वेले सब तो वध धमकियां मिल रही हैं, उसनू विदेशी नंबर तो धमकियां मिल रही हैं। इस तरह की जानकारी मिली है। नाल ही पंजाब पुलिस के स्पैशल सैल वालों अमृतसर के सैल वालों अमृतपाल सिंह के तीन साथियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी मुताबक उन्होंने निशाने ते मोहाली का एक हिंदू नेता से। निशांत ने दसाया कि यह साल उसने खरड़ ते पंचकूला थाने विच तीन FIR दर्ज करवाईया हैं। इस तरह की रिपोर्ट मोहाली तो प्राप्त हो रही है। अगली खबर, चपड़ासी तो लैके वड्डे वड्डे अफसर तक सीधे निर्देश, भ्रिष्टाचार नहीं चलन दिता जाएगा। गगन अनमोल मान, कैबिनेट मंत्री गगन अनमोल मान ने कहा कि साड़ी सरकार नवी जरूर है पर असी पुरानियां सरकारां दीआं पाईआं कुरीतियां नूं दूर करांगे। ते उन्हां कहा कि साडे वल्लों चपड़ासी तो लैके वड्डे वड्डे अफसर तक सीधे निर्देश ने कि किसी तरह का कोई भ्रिष्टाचार नहीं चलन दिता जाएगा। कैबिनेट मंत्री गगन अनमोल मान पंजाब दी आम आदमी पार्टी की सरकार वल्लों शुरू किए जा रहे एमीनेंस स्कूल प्रोजैक्ट के आगाज मौके पहुंचे सन जदों उन्होंने इस तरह का बयान दिता है। गड्डी ओवरटेक नूं लैके झगड़े दे विच पुलिस मुलाजम की मौत हुई है, कपूरथला तो खबर है। पिछले साल अक्तूबर च कपूरथला नकोदर रोड से पिंड तलवंडी महमा नेड़े ओवरटेक नूं लैके दो कार चालकां विचाले मामूली झगड़ा जानलेवा हमले दे विच बदल गया, जिस कारण दो पुलिस मुलाजम समेत तीन व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हुए। जिस दे बाद ड्यूटी डाक्टर ने एक पुलिस मुलाजम अते राहगीर की हालत गंभीर दसदियां उसनूं रैफर कर दिता, जबकि एक पुलिस मुलाजम सिविल विच जेरे इलाज है। जख्मी की पछाण कॉन्सटेबल परमिंदर सिंह वासी पिंड धंदल थाणा सदर, कॉन्सटेबल नवदीप सिंह पुत्र रणजीत सिंह वासी पिंड सैदोवाल, तीजे जख्मी की पछाण मनप्रीत सिंह पुत्र इंद्रजीत सिंह वासी कपूरथला दे वजों हुई है। खबर पटियाला तो है, पटियाला दे विच 12 साल लड़की नाल जबर जना एक पुल मुलजम गिरफ्तार किया गया। जिले के सनौर हल्के के एक पिंड दे विच 12 साल नाबालिग लड़की नाल जबर जना किए जाने का मामला सामने आया। लड़की की हालत गंभीर दसी जा रही है, जिसनू रजिंद्रा हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। मामले दे विच एक मुलजम नू गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी मुताबिक बीती शाम लड़की नू घर दे बाहरों दो व्यक्तियों वालों अगवा किया गया सी। मुलजमान वालों वारदात नू अंजाम देने तो बाद लड़की नू छड्डन आए सी, तां रौला पैण ते मौजूद लोगों ने उन्हां नू काबू कर लिया, एक दोषी नू काबू किया सी। फिलहाल इस मामले के सामने आने तो बाद पिंड दे लोगों वालों दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगली खबर, सीएम भगवंत मान ने एक सीनियर अधिकारी का तबादला करके अफसरशाही नू विखाई तेवर। पंजाब दे मुख्यमंत्री ने सूबे के एक सीनियर अधिकारी का तबादला करके अपने तेवर अफसरशाही विखा दिते हैं। चंडीगढ़ च अफसरशाही यह चर्चा चल रही है कि उक्त अधिकारी ने मुख्यमंत्री दफ्तर तो गए एक दिशा निर्देश में लैके नकार दिता सी। यह सारा मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों 27 जनवरी में सूबे किए जाने वाले 500 आम आदमी क्लीनिका के उद्घाटन जुड़िया हुआ है। मुख्यमंत्री दफ्तर के चर्चा चल रही थी जदों उक्त अधिकारी ने सरकार के निर्देशों लैके किंतु परंतु किया तो तुरंत यह मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान तक पहुंचा। जदों मुख्यमंत्री नाल यह गलबात सुनी तो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत उक्त अधिकारी का तबादला करने के हुक्म जारी कर दिए। इस तो पहला उक्त अधिकारी बारे कहा जाता है कि वह मुख्यमंत्री दफ्तर के काफ़ी नज़दीक है। अगली खबर के वल वधांगे। स्कूल दे विच बच्चों के सामने दो महिला टीचरों के जबरदस्त झड़प हुई है। इस तरह की भी खबर मिल रही है। वधदे अगली खबर के वल। जदों मोमोज वाले बोरे चों
पुलिस नूं बरामद हुई लखां रुपए। जलालाबाद विखे पुलिस मुलाजमान वालों जलालाबाद बस अड्डे विखे तलाशी मुहिम जारी की गई। इस दौरान एक व्यक्ति नूं रोक के जदों उस कोल पुछगिछ की गई तलाशी ली गई तो उक्त व्यक्ति दे कोलों फड़े गए बोरे दे विचों 9 लाख तो ज़्यादा रुपए बरामद हुए हैं। पेशे वजों उक्त व्यक्ति मोमोज का काम करता है। जदों मोमोज वाले बोरे दे विचों पुलिस नूं लखां रुपए बरामद हुए DIG फिरोजपुर की मौजूदगी विच पुलिस मुलाजमान ने नाकाबंदी करके जलालाबाद के बस स्टैंड विच ईगल 2 ऑपरेशन चलाया सी। इस दौरान एक प्रवासी कोलों लखां रुपए बरामद हुए। दरअसल पुलिस मुलाजम वालों जदों बस अड्डे विखे शक्की व्यक्ति की तलाशी ली गई तो इस दौरान एक व्यक्ति जिसके हाथ में बोरा फड़ा हुआ सी उस कोलों जदों पुलिस मुलाजमान ने पूछा कि उसने दस्सिया कि मोमोज वेचण का काम करता उसके बोरे की तलाशी ली गई तो बोरे विचों लखां रुपए बरामद होने की गल आखी गई है। अगली खबर छपे छपाए रह गए ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਕੁੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲੜਕਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੱਪੇ ਛਪਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਜ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ PGI 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਏ ਸਟੰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ SC ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਿਹਾ। ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਖੂਨੀ ਡੋਰ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। SHO ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ City 1 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀਆਂ 7 ਰੀਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਇਨਪੁੱਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖੌਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।